और ये पानी की बूंद के अंदर मैं कुछ धूल के कण, कुछ सूक्ष्म जीव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह अपने इस यंत्र के द्वारा, इस जल बूंद लेजर लाइट सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम पानी के अंदर क्या है, कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है, इसकी पहचान कर सकते हैं। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। साथियों, अपने घर में, अपने स्कूल में, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, जो आप पानी पीते हैं, क्या वो आपके लिए सुरक्षित है? साथियों, इस पानी में होते हैं कई सारे संख्य सूक्ष्म जीव जो हमें बीमार कर सकते हैं। हमारा पानी इनसे सुरक्षित है या नहीं है, इनकी जाँच करने के लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी, एक आवश्यकता पड़ेगी सूक्ष्मदर्शी की, जिसमें हम इन जीवों को बड़ा करके देख पाएं। लेकिन साथियों, ये माइक्रोस्कोप तो काफ़ी महंगे होते हैं और इन सब का प्रयोग करने के लिए हमें एक ट्रेनिंग की या सीखने की जरूरत पड़ती है। साथियों, हम आपको आज घर पर इसे बनाना सिखाएंगे, इस लेजर लाइट से एक सूक्ष्मदर्शी, जिसमें आप एक पानी की बूंद को मैग्नीफाई करके, बड़ा करके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है और आपका पानी आपके पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं। तो साथियों, मैं नवीन कुमार शर्मा आपको अपनी इस कक्षा में स्वागत करता हूं और चलिए अपनी इस एक्टिविटी को हम देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पानी में कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं है। अपने इस सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक शीशी, खाली कोई बोतल। इसमें हम यहाँ पे रबर बैंड से एक पेन ये बांध देंगे इधर इस तरह से। रबर बैंड से हमने इस पेन को टाइट कर दिया यहाँ पे और उसकी कैप के साथ में हमने एक दूसरा पेन यहाँ पे ये बांध रखा है रबर से। इस पेन को हम इसके के ऊपर लगा देंगे इस तरह से और हमने एक इंजेक्शन को, एक सिरिंज को लिया हुआ है और उसकी कैप के साथ में इस सिरिंज को हमने यहाँ पे बांधा हुआ है। इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। साथियों, इस सिरिंज के अंदर हमारे पानी का सैंपल है जो हम पानी कहीं भी से ले सकते हैं, जो हम चेक करना है। अब इस बोतल के अंदर जो हमारे पास दूसरी बोतल है, हमें इस लेजर लाइट को फिट करना है। इसको ऑन कर देंगे हम और फिर इस लाइट को उसके अंदर लगाने के बाद में जब ऑन हो जाएगी, इस सिरिंज के नीचे हमें एक ड्रॉप लटकानी है पानी की बूंद की और ये लेजर लाइट हमें उसके अंदर से गुजारनी है, जिसकी सहायता से पानी की बूंद मैग्नीफाई हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और उसको हम अपने पर्दे के ऊपर देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, इस अरेंजमेंट से हमने एक पानी की बूंद को यहाँ पे हैंग कर दिया है या पानी की बूंद को लटका दिया है और इस लेजर लाइट से लाइट इसके अंदर से जाके इस पर्दे पे जा रही है। ये पानी की बूंद यहाँ पे परिवर्तित हो रही है और सामने पर्दे पे दिख रही है। चलिए देखिए आपको क्या दिखता है। साथियों, इसके लिए हमें अंधेरा करना पड़ेगा। सामने आप देख पा रहे हैं पर्दे के ऊपर कुछ चीज चल रही है। इसके अंदर ये पानी की बूंद के अंदर आप देख पा रहे हैं ये पानी के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते हुए आपको दिख रहे हैं। तो साथियों, इस एक्टिविटी में, इस सूक्ष्मदर्शी निर्माण में, जिसका नाम हमने रखा है जल बिंदु लेजर लाइट सूक्ष्मदर्शी, आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या अरेंजमेंट किए हैं। इसमें यहाँ पे एक साइड में लेजर लाइट लगाई है इस बोतल के अंदर, इधर इस बोतल के साथ में ये पेन का अरेंजमेंट करके यहाँ पे सिरिंज, ये पिचकारी लटका रखी है, इसमें पानी का सैंपल लिया हुआ है। हमें इसकी एक पानी की बूंद नीचे यहाँ पे लटकानी होगी। ये बूंद यहाँ लटकेगी नीचे, ये बूंद जब नीचे गिरे इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक
छोटी सी ये ढक्कन रखा हुआ है जिससे कि पानी नीचे व्यर्थ न बहे। जब सामने लेजर लाइट इधर से आएगी, इस बूंद से के नीचे निकलेगी, तो इस बूंद को ये परिवर्धित कर देगी, आवर्धित कर देगी, जिसकी हमें जो प्रतिबिंब होगा बूंद का सामने में इस पर्दे पर देख सकते हैं, या दीवार पे या किसी कपड़े पर बड़े पर्दे पर उसको हम देख सकते हैं। और हमें इस बूंद का जब एक आवर्धन मिलेगा तो उसके अंदर हम जो सूक्ष्म जीव होंगे, जो मिट्टी के कण होंगे और बाकी उसके अंदर कोई सूक्ष्म चीज़ होंगी, तो उनको हम पर्दे पर देख पाएंगे और हम जांच कर पाएंगे कि हमारा पानी हमारे लिए कितना सुरक्षित है और इसका प्रयोग हम पीने के लिए कर लें या उससे पहले इस पानी को हम पहले साफ करें। साथियों, अब आप देख रहे हैं कि सारे अरेंजमेंट जो हमने किए हुए हैं, ये पानी की बूंद, ये लेज़र लाइट और ये पर्दा, ये व्यवस्थित नहीं है। इनको हमें एक बार अरेंज करने के लिए पानी की बूंद के अंदर से लेज़र लाइट गुजारने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसको हमें एक अच्छे यंत्र के रूप में व्यवस्थित करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे इस एक बोर्ड के ऊपर अरेंज कर दिया है। यहाँ बीच में हमने पानी की बूंद को लटकाने के लिए ये सीरीज लगा रखी है। इसके पीछे की साइड में इधर लेजर लाइट इस बूंद से गुजारने के लिए यहाँ इसको अरेंज किया हुआ है। यहाँ नीचे की तरफ इस बूंद को अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए ये बोर्ड के ऊपर हमने टूथपेस्ट के ढक्कनों की सहायता से ये एक मंच बनाया हुआ है, जो इनकी सहायता से हम मूवमेंट इसको कर दे सकते हैं, इसको व्यवस्थित कर सकते हैं इनको चला करके। सामने की तरफ यहाँ पे ये पर्दा लगाया हुआ है, जो इस बूंद में गुजरने के बाद में जो लाइट जाएगी सामने की तरफ, उसका हम प्रतिबिंब इस सामने वाले पर्दे पर ले पाएंगे। तो चलिए अब दोबारा इसको हम देख लेते हैं एक बार कि बूंद का जब प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो उसको हम किस तरह से देख पाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके नीचे में एक बूंद को हैंग करना पड़ेगा, इसको लटकाना पड़ेगा इस सीरीज के नीचे, और इस बूंद को नीचे ना गिर जाए यहाँ इस मंच के ऊपर हम ये ढक्कन कर देंगे ताकि पानी की बूंद इसके ऊपर अगर गिरे तो उसके अंदर चली जाए। इधर से हम लेजर लाइट को चला देंगे। और ये लेजर लाइट इस जो बूंद यहाँ लटकी होगी उसके अंदर से गुजरेगी और सामने की तरफ उसका प्रतिबिंब उस सामने के पर्दे पर हमें यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इस तरह लेजर लाइट सेट होने के बाद में हम सामने पर्दे के ऊपर इसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इस तरह में पर्दे के ऊपर बहुत सारे सूक्ष्म जीव इस पानी की बूंद के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह हम ये पानी की बूंद को सामने पर्दे पर देख पा रहे हैं, जो हमें पर्दों पर दिक्कत दिख रही है। चलो उसको बड़े पर्दे पर भी देख लेते हैं। इस तरह हमें सूक्ष्म जीव सामने पर्दे पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, जो इस पानी की बूंद के अंदर उपस्थित हैं। अतः हम इस जल बिंदु सूक्ष्मदर्शी के द्वारा
पानी की बूंद को सामने पर्दे पर देख सकते हैं और इस बूंद के अंदर सूक्ष्मजीवों को देख करके उनका हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं। तो साथियों, इस तरह ही आपने देखा कि हमने किस तरह से ये जल बूंद लेजर लाइट सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया है। इसमें आप नीचे देख रहे हैं, दोबारा एक बार को फिर देख लेते हैं। नीचे हमने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पे एक अरेंजमेंट किया हुआ है इस लेजर लाइट को लगाने के लिए। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बीच में यहाँ पे जो मंच है इसको हम मूवमेंट दे सकते हैं और व्यवस्थित कर सकते हैं इन थाउल की सहायता से। और अपने बूंद को हम बिल्कुल इस लेजर लाइट के सामने फोकस कर सकते हैं। इस तरह से तो सामने छोटी सी बूंद बड़ा होकर के सामने दिखती है और हमें इसके अंदर ही घूमते हुए जो माइक्रोब्स हैं, धूल के कण हैं, वो दिख जाते हैं। इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि जो हमारा पीने का पानी है, जो हम पानी हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना सुरक्षित है। तो आशा करता हूँ कि ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगी होगी। आखिर में जो बूंद है इसका हम सिद्धांत समझ लेते हैं। जो बूंद है, ये बूंद एक उत्तल दर्पण की तरह से कार्य करती है, जिसकी फोकस दूरी बहुत ही उत्तम तरह की है और ये बूंद को बहुत अधिक मैग्नीफाई कर देती है। जितना ये दूर पर्दा इससे होगा, ये बूंद उतनी ज़्यादा मैग्नीफाई, उतना ज़्यादा बड़ा होकर में दिख जाएगी। और हम इस पानी के बूंद के अंदर से इस प्रकाश की किरण को जब गुजर के देखते हैं तो हमें ये बूंद बड़ा होकर के दिखता है। हम इसके अंदर के माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को बड़े आराम से इस अरेंजमेंट के द्वारा देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगी होगी, इसका आप प्रयोग करेंगे और अपने पीने वाले पानी का आप टेस्ट करके जांच कर पाएंगे। साथ ही इसको अपने मित्रों से और अपने छात्रों से साझा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मिलते हैं एक अगली एक्टिविटी में, तब तक के लिए धन्यवाद।